आपने यह सोचा है कि आपको साइंस लेना है? आपके आस पड़ोस, अगल बगल या सीनियर, आपने कहीं सुना कुछ देखा कि आपको लगेगा नहीं साइंस बहुत हार्ड है, साइंस नहीं लेना है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन में। जैसा कि पहले भी वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी दे दी गई थी कि आज अब हमारे चैनल में 11th क्लास के लिए फिजिक्स के भी वीडियो आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो वीडियो देखेंगे वो अभी 10th का एग्जाम दिए होंगे, और ये COVID-19 के कारण जो लॉकडाउन वगैरह चल रहे हैं उसके कारण आपका रिजल्ट अभी नहीं आया होगा। दोस्तों, रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, परसेंटेज कितनी आती है कोई मायने नहीं रखता। आपने एक दृढ़ निश्चय किया होगा कि मुझे साइंस लेना है। दोस्तों, ये दृढ़ निश्चय आप बनाए रखिएगा, क्योंकि आप जितने जल्दी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है उतनी जल्दी भी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी भी आती है। आपने यह सोचा है कि आपको साइंस लेना है, आपके आस पड़ोस, अगल बगल या सीनियर, आपने कहीं सुना कुछ देखा कि आपको लगेगा नहीं साइंस बहुत हार्ड है, साइंस नहीं लेना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। आप जो 9th 10th से पढ़ के आए हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलेगी या उससे रिलेटेड आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। उससे रिलेटेड भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, बात है कि उससे एक दो लेवल का आपको ऊपर मिलेगा। 9th 10th में आपको बेसिक कुछ कुछ जानकारियाँ उसके बारे में दे दी गई है, और आपको बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से भी आपको पूरी बेसिक से कवर करूँगा पूरा सब्जेक्ट को, इसीलिए आपको जरा सा भी घबराने का कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात है दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट इजी या हार्ड नहीं होता, उसे इजी या हार्ड बनाया जाता है। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आपको इजी लग रहा है, वो अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं आपसे मैथ सॉल्व हो रहा है तो इजी है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं आपको फिजिक्स समझ में आ रहा है तो इजी है, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो हार्ड है, उसके लिए बहुत हार्ड है। इसीलिए मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि कुछ भी इजी और कुछ भी हार्ड नहीं होता है। हार्ड को हार्ड बनाया जाता है और हार्ड को इजी भी बनाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको मन में जरा से भी नेगेटिविटी नहीं लानी है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ कुछ नई नई चीजें भी देखने को मिलेगी। आप बहुत ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसके बारे में आपने पहले ना सुना होगा ना सोचा होगा, आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। आपको नई चुनौतियों से घबराने का जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जैसे ही आप 10th पास करते हैं, 11th में आते हैं, तो समझिए आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है, और उस परिवर्तन में आपको विश्वास रखना होगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं सीख पाते हैं या सीख नहीं पाएंगे। मान लीजिए आप अभी पढ़ते हैं, आपको ए फॉर एप्पल बहुत ईजी लगता है, वो आपको क्यों ईजी लगता है? क्योंकि आपने ABCD आपको बहुत अच्छे से आता है, इसीलिए आप ए फॉर एप्पल सीख सकते हैं। आप ए फॉर एप्पल उस समय सीखे हैं क्योंकि आपको उस समय ABCD बहुत अच्छे से आता था, आपने पहले ABCD सीखा। ठीक उसी प्रकार क्या फिजिक्स का कोई ABCD नहीं होता होगा? क्या जरूर होता होगा? तो अगर आप फिजिक्स के बेसिक बेसिक चीजों को समझिएगा तो आपको आपके लिए सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और किसी ने आपको क्रिकेट के बारे में पढ़ने को कह दिया, तो आपको बहुत ही रोचक लगेगा, उसमें पढ़ने में आपको बहुत मन लगेगा, आप उसमें सब कुछ बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हैं, आप क्रिकेट को जीतते हैं। वैसे ही क्या आप फिजिक्स को अपने लाइफ में नहीं जीते हैं? क्या आप जरूर जीते हैं? आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कोई मायने नहीं रखता, आप फिजिक्स को जीते हो। आप फिजिक्स को डेली अपने लाइफ में यूज करते हो, भले आप उसके बारे में उतनी गहराई से नहीं सोचते हो, कोई नहीं सोचता है, रियलिटी यही है। बट धीरे बस अपने डेली लाइफ को धीरे धीरे फिजिक्स से कनेक्ट करते जाइए, फिजिक्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप दौड़ते नहीं है क्या? आप चलते नहीं है क्या?
आप ट्रेन को जाते हुए नहीं देखते हैं, आप गाड़ी नहीं चलाते हैं, आप सब कुछ देखते हैं और हर जगह फिजिक्स है। और यहाँ विश्वास कीजिए, आपको उस सब चीजों से हटकर और कुछ नहीं पढ़ना, जो आपके चल रहा है बस उसे ही पढ़ना। हाँ, कुछ कुछ नई चीजें आएंगी तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि एक बार और मैं दोहराना चाहता हूँ, बहुत ही मोटिवेशनल वर्ड है, परिवर्तन ही संसार का नियम है और हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। तो बी रेडी फिजिक्स पढ़ने के लिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल मोटिवेटेड होके पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, फिजिक्स। तो दोस्तों, क्या हम डायरेक्ट फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें, फिर फिजिक्स से पहले कुछ नहीं है? तो ऐसा नहीं है। फिजिक्स किसके अंदर आता है? साइंस के अंदर। आप 10th पास कीजिएगा, आप 11th में एडमिशन लेने जाइएगा, आपसे पूछा जाएगा आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, अब बोलिएगा साइंस। आप उस समय नहीं बोल सकते कि मुझे फिजिक्स लेना है। तो पहले पढ़ते हैं साइंस क्या है। फिजिक्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग साइंस क्या है, और उसके बाद देखेंगे फिजिक्स, उसमें साइंस में फिजिक्स का क्या स्थान है। तो साइंस क्या है? एक ऐसा, तो चलिए पहले हम देखते हैं साइंस क्या है। बहुत ही आसान भाषा में अगर हम समझे तो साइंस क्या है, बहुत लंबा थोड़ा डिफिनेशन नहीं जानना है, हमको बेसिक चीजें लेके चलना है जिससे हमको आसानी से समझ में आ जाए। तो साइंस क्या है? साइंस एक ऐसा विद्या है जिसमें हम प्राकृतिक चीज़ों के बारे में, या हमारे आसपास जो चीज़ हैं, जितने भी वस्तु हैं, जानवर, पेड़ पौधे, जितने भी चीज़ हैं, उसके बारे में हम जांच पड़ताल करके और उसमें शोध करके, उसमें शोध करके जिस चीज़ को सीखते हैं वो साइंस है। तो एक बार हम और फिर से देखते हैं साइंस क्या है। एक ऐसी विद्या, एक ऐसा विषय जिसमें हम अपने आसपास के वस्तुओं के बारे में क्रमबद्ध तरीके से जांच पड़ताल करके और शोध करके उसके बारे में जानकारियां जुटाते हैं। तो साइंस में, साइंस को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है फिजिकल साइंस और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग, मतलब निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस जिसमें हम लिविंग थिंग, मतलब सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो साइंस में एक सवाल आता है कि साइंस में फिजिक्स हमारा कहाँ आता है, इस दोनों साइंस में कहाँ आता है, क्या वो फिजिकल साइंस में या बायोलॉजिकल साइंस में? तो हमारा फिजिकल साइंस में, क्योंकि हम उस फिजिक्स में निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। इसे एक और नाम दिया गया है, नेचुरल साइंस भी इसको कहते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप अपने साथ एक पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें,
क्योंकि अभी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन आप एक दिन दो दिन के बाद फिर आप उस चीज को भूलने लग जाएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। हमें तो एक बार में तो तुरंत समझ में आ जाएगा वीडियो देख के, लेकिन उसे आप नोट करके जरूर रखें, क्योंकि आपको रिवीजन करने के लिए बार बार वीडियो ना देखना पड़े। आप अपना कॉपी उठाएं, नोटबुक उठाएं और उसको रिवीजन कर लें। तो फिजिक्स को हम नेचुरल साइंस भी बोलते हैं। अभी आप जो सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसका भी डेफिनेशन देखते हैं। आखिर फिजिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विथ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। हिंदी में देखा जाए आसान भाषा में तो फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है? फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, वो फिजिक्स है, वो भौतिकी है। तो ये हमने देखा फिजिक्स क्या है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 11th का पहला चैप्टर है उसमें एक एक्सरसाइज में हमें बस फिजिक्स और फिजिक्स हमारे जीवन में उसका उपयोग और फिजिक्स में आगे क्या फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, हम उसमें कैसे करियर बना सकते हैं, फिजिक्स हमारे सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो हम उस चैप्टर को बीच बीच में बात करते हुए थोड़ा थोड़ा हम वो चीज समझ जाएंगे, इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। यूनिट एंड मेजरमेंट। चलिए दोस्तों हम फिर से कुछ बात करते हैं इसी से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड। फ्रेंड्स आप दौड़ते हैं, चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आप एरोप्लेन को उड़ते देखते हैं, बहुत सारे आप घटनाएं दिन भर देखते रहते हैं। तो कैसे होता है, नहीं होता है? आप दौड़ते हैं, आप चलते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें कुछ फैक्टर आते हैं। जैसे आप अगर रनिंग कर रहे हैं तो आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछता है आप कितना दूर दौड़ते हैं, तो आपने आपने बताया 2 किलोमीटर। आप अगर पानी पी रहे हैं और आपसे पूछा जाए दिन में आप कितना पानी पीना चाहिए, तो आप बताते हैं 4 से 5 लीटर। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा आप बाइक चला रहे हैं अगर आप बाइक चला रहे हैं और आपसे पूछा जाता आप कितना कितने की स्पीड से बाइक चला रहे हैं, तो आप बोलते हैं 6 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों ये क्या है? ये एक मेजरमेंट। 4 to 5 लीटर क्या है? एक मेजरमेंट है। 60 किलोमीटर पर आवर क्या है? एक मेजरमेंट है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें आप देख रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, जिससे हम डेली जीते हैं, अपने आसपास घटित होते देखते हैं। बस इन्हीं सब चीज़ों को इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, यूनिट एंड मेजरमेंट के चैप्टर में। तो हम इसीलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक एग्जांपल लेते हैं। तो ये 2 किलोमीटर क्या हो गया? इसका मेजरमेंट हो गया कि आप 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, अब 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं, अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गाड़ी चलाते हैं।
तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में जो भी चीजें बनी है वो सिर्फ दो ही चीजों से मिलकर बनी है, एक मैटर और दूसरा रेडिएशन। इन्हीं दो चीजों से मिलकर बनी होती है, या तो मैटर से या तो रेडिएशन से। एक टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर के लिए, ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो चलिए जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। बिल्कुल बेसिक से इसका डिफिनेशन देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर्टी या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर और रेडिएशन विच कैन बी मेजर्ड। अब देखते हैं इसका मतलब क्या हो, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी इज प्रॉपर्टी या करैक्टरिस्टिक ऑफ मैटर और रेडिएशन विच कैन बी मेजर्ड। मीन्स फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो मैटर या रेडिएशन। तुम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी इज प्रॉपर्टी और करैक्टरिस्टिक ऑफ मैटर और रेडिएशन विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी किसी भी रेडिएशन और मैटर का वो प्रॉपर्टी है जो जिसको हम माप सकते हैं। आप इसका थोड़ा स्क्रीन शॉट ले ले या नोट कर ले। चलिए आपने इसका थोड़ा स्क्रीन शॉट ले लिया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल है जिसे हम फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं। आपको आसान भाषा में इतना ही याद रखना, फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, हम लेंथ को माप सकते हैं, मास को माप सकते हैं, टेम्परेचर को माप सकते हैं, टाइम को भी माप सकते हैं, सेकेंड में, मिनट में, घंटे में। तो चलिए एक और टर्म आता है, ये तो सब फिजिकल क्वांटिटी, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक छोटा सा अगर डेफिनेशन हम देखें तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर।
क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर, ऐसा क्वांटिटी जिसे हम माप नहीं सकते हैं। तो इसका अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल देखें, साधारण सा एग्जांपल देखें, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, नॉन फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल। सो हैप्पीनेस, सैडनेस, इमोशन, एक्सप्रेशन, ईटीसी। आप कितने खुश हैं, आप कितने दुखी हैं, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है, आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं तो आप कितने गुस्से में हैं। तो क्या हम इसका कोई परफेक्ट इसका मेजरमेंट हमारे पास है क्या? नहीं है। अगर कोई बच्चा है वो कितना क्यूट है, अगर आपसे पूछा जाए बच्चा कितना क्यूट है तो आप बता सकते हैं बच्चा एक लीटर क्यूट है, एक किलोमीटर क्यूट है या इतना क्यूट है? ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। तो वैसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। उसके एग्जांपल देखते हैं, तो हैप्पीनेस, खुशी, गम, इमोशंस, फीलिंग, ये जितने भी चीज़ें आती है ये सभी नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए, उम्मीद है यहाँ तक आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब इससे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आता है यूनिट। यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? अगर एकदम आसान भाषा में सर इसे लिखा जाए तो यूनिट क्या है? तो यूनिट इज ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट। यूनिट क्या है? ये मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसे ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो करती है। तो यूनिट क्या है? यूनिट इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ये यूनिट के एकदम सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। अगर हमारे पास एक रॉड है, मान लीजिए ये एक रॉड है और इसकी लंबाई 3 meters। तो अगर हमारे पास एक रॉड है जिसकी लंबाई मान लीजिए 1 meter, तो एक इसमें हो गया मैग्नीट्यूड और मीटर ये क्या है? ये है यूनिट। अगर आपसे कोई पूछा जाए आपके पास एक रॉड है उसकी लंबाई 1 है, तो एक एक को हम कुछ डिफाइन कर सकते हैं? नहीं। 1 meter है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, क्या है? नहीं है। उसे डिफाइन करने के लिए यूनिट को लाया गया। मींस इसीलिए बोला गया यूनिट इज ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट। यूनिट क्या? यूनिट एक मेजरमेंट का तरीका है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जिसे ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो करती है। मान लीजिए अगर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास कोई बॉक्स है और जिसका वजन 2 kg, अगर हमसे पूछता है कोई कि बॉक्स का वजन कितना है और हम अगर सिर्फ 2 बोलते हैं तो ये कहीं से भी डिफाइन है अपने आप में? नहीं। ये इसका वजन को डिफाइन कर सकता है 2 क्या? नहीं कर सकता है। तो उसमें केजी लगाना पड़ता है। ये केजी क्या है? केजी यूनिट। और यूनिट अगर हमारे पास ये 2 kg है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेजरमेंट सिर्फ हम इंडिया वाले करते हैं और जितने भी कंट्री है वहाँ भी मेजरमेंट सिस्टम होगा। तो यूनिट के फायदे क्या है? यूनिट के फायदे हैं, अगर कोई बॉक्स यहाँ 2 kg का है, 2 kg का है, तो ऐसा नहीं कि अमेरिका में वो 1.5 kg का हो जाएगा, वो वहाँ भी
केजी का ही रहेगा। क्यों? यूनिट के कारण, क्योंकि यूनिट क्या है, एक तरीका है मेजरमेंट का जिसे ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो करती है। तो चलिए इससे हम अब कुछ आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट देखते हैं, यूनिट हमारा कैसे हेल्प करता है। तो एक देखा जाए, मेरे पास एक ये मार्कर है और मेरे पास ये पेन है, ये मार्कर है और ये पेन है। अगर मुझे बोला जाए इन दोनों में छोटा कौन है बड़ा कौन है, तो हमें कैसे पता चलेगा? क्या हम ऐसे देख के बता सकते हैं? हाँ, देख के बता सकते हैं ये ऐसे छोटा है बड़ा है। और इन फिजिकल टर्म हमें ये कैसे डिफाइन करना रहेगा, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसमें हमें यूनिट हेल्प करता है। कैसे? यूनिट गिव्स अस पावर टू कंपेयर टू फिजिकल क्वांटिटी। हम दो फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है, तो मैंने बताया यूनिट क्या करता है, यूनिट गिव्स अस पावर टू मेजर टू फिजिकल क्वांटिटी। अगर हमारे पास एक रॉड है 1 मीटर का और एक दूसरा रॉड है 2 मीटर का, तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है? हम इसे कैसे जान सकते हैं? अगर इसमें से मीटर हटा दिया जाए, इसमें से मीटर हटा दिया जाए, तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं, 1 2 देख के बोल सकते हैं, छोटा बड़ा देख के बोल सकते हैं। इन फिजिकल वे हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास चाहिए यूनिट। यूनिट के कारण हम कंपेयर कर सकते हैं, ये 2 मीटर का है और एक ये 1 मीटर का है, तो ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ। तो इसी से आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट, एडवांटेज ऑफ यूनिट। तो आगे के वीडियो में हम ये दो चीजें कवर करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट और एडवांटेज ऑफ यूनिट, और ये SI यूनिट सिस्टम किसके कंट्रोल में आता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये कुछ बेसिक जानकारी हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमारे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। या अगर इस वीडियो से रिलेटेड जो आपने आज पढ़ा है उससे अगर आपको कुछ पूछना है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।